तो अभी सुबह हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर हम यहाँ से निकलेंगे सालासर बालाजी मंदिर के लिए दर्शन करने। यक्षु आओ। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट होगा, इसी में है। डेकोरेशन कितना सुंदर लग रहा है, बस लग रहा है। देखिए हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से रेडी हो रही हूँ। मैं सुबह जल्दी रेडी हो रही थी तो इन्होंने बोला अभी ब्रेकफास्ट का टाइम निकल जाएगा तो थोड़ा बहुत हो जाओ फिर आके हो जाना। तो फिर मैं यहाँ पे आई, थोड़ा अपना बाल बनाई थी क्योंकि मैंने बाल धुले थे तो सूखे नहीं थे, तो उसे मैं थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ। और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे, चेकआउट भी आज ही हमारा हो जाएगा होटल से। और आप लोगों को श्याम जी मंदिर का ब्लॉग मैंने डाला था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें ताकि हम भी यूट्यूब पे अच्छा अपना बना सके, ग्रो कर सके अच्छे से। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना, और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हेलो, यहाँ पे रुके हुए थे और यहाँ पे इतना सुंदर मंदिर है राधे कृष्णा का। अभी यक्ष गए हैं प्रणाम करने, दूर से करना बेटा। तो कुछ खा रहे थे ये, और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे महादेव जी भी हैं, सालासर बालाजी मंदिर जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, और सामान वगैरह सब रख लिए हैं, चेकआउट हो गया है यहाँ से। चलिए यक्षु, हो गया बेटा, जाओ उतरो। तो यहाँ से जाते टाइम रास्ते में ये गेट पड़ा, श्री श्याम शरणम खाली, और यहाँ पे देखिए अभी 9:30 हो रहे होंगे, और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है लोगों के अंदर, इतनी भीड़ है खाली श्याम जी। और आप लोगों को भी मैंने दर्शन किया, रुके और यहाँ पे यक्ष को वो लेना था झंडा, तो वो सब लिया हमने यहाँ से। देखिए सालासर बालाजी का गेट आप लोगों ने देखा, और यहाँ से हम लोग एंटर होने वाले हैं हनुमान जी मंदिर बालाजी। बालाजी धाम, बालाजी मंदिर आ गए हम लोग, और अभी प्रसाद वगैरह लेना है। तो यहाँ पे सालासर बालाजी का दर्शन करने के बाद यक्ष को चाहिए था कुछ टॉय, तो बच्चों का तो होता है ना, कहीं भी जाते हैं तो कुछ लेना जरूर होता है। तो यहाँ यक्ष आ गए थे इस शॉप में, यहाँ पे थोड़ा सा बंद सा चल रहा था, पुलिस वुलिस का कोई केस हो गया था तो इधर दुकानें सारी बंद थी, फिर भी यक्ष को चाहिए था तो हम लोगों ने दुकान खुलवा के, और ये स्पाइडरमैन वाला इन्होंने वो बॉक्स लिया, पेंसिल बॉक्स। फिर हम यहाँ पे आ गए कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ा सा प्यास लगी थी मुझे, उसके बाद से इतनी गर्मी हो रही थी
तो इसीलिए थोड़ा सोचे पानी पी ले, फिर चाय पिया, और यक्षु को कचौड़ी खानी थी तो कचौड़ी खाए, दाल कचौड़ी। और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और इतनी गर्मी पड़ रही है, ये तो राजस्थान है तो यहाँ तो ऐसी गर्मी होती है, बट दिल्ली में भी गर्मी है, लग ही नहीं रहा है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, मई जून का महीना, जैसे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे पानी का बॉटल लिया, थोड़ा सा चाय पिया, रेस्ट किया, और फिर हम यहाँ से अब दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और ये चाट खा रहे थे तो वही बोले तो इसमें से ले लो, मुझे खाने का कुछ मन ही नहीं कर रहा था, मुझे सिर्फ प्यास लग रही थी, तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा सा मैंने खा लिया यक्षु में से और इनके में से। और यक्षु के चाचू गए हैं इधर बगल वाली शॉप से मीठा लाने और प्रसाद पेड़े वगैरह। और बस अब हम लोग निकलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स फिर से मैं लाने वाली हूँ। अभी हमें दिवाली की भी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं पानी पूरी, यक्षु भी खा रहे हैं पानी पूरी, और पियेंगे हम लोग बादाम शेक। नहीं होगा, अभी हम बालाजी से निकल चुके हैं और यहाँ रास्ते में रुके हैं थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने पानी पूरी खाया था, हमारे लड्डू जी हमारे साथ में, उनको भी हमें कुछ खिलाना है तो वो खिलाने गए हैं, कुछ मीठा और पानी वगैरह। अभी यक्षु ने फ्लैग खरीदा है खाटू श्याम जी का, एक पहले खरीदे थे उसका जो नीचे का डंडी था, वो जो वहाँ के थे सिक्योरिटी वाले उन्होंने निकलवा दिया, तो फिर यक्षु ने ये दोबारा लिया है। इसमें स्टिक नहीं लगी है, ऐसे कपड़े वाला है तो ये सॉफ्ट है। और ये यक्षु ने मेले से लिया, मतलब वहाँ के मंदिर से, तलवार है, इसमें लाइट भी जलती है, और एक पेंसिल बॉक्स, और एक पेंसिल बॉक्स लिए हैं, तो घर पे चल के आप लोगों को दिखाएंगे। बस अब दिल्ली निकलने वाले हम लोग, और कल मेरा फास्ट है करवा चौथ का, तो मैंने मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, देखते हैं कब लगाते हैं कैसे लगाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और यक्षु ने आज क्या खाया है, यक्षु फालूदा और पानी पूरी। तो यक्षु को खाने का बहुत दिक्कत हो जा रहा है, मतलब रास्ते में समझ में नहीं आ रहा है क्या खाया पिया जाए, तो अभी फालूदा और वो खाएं पानी पूरी। यक्षु भी थोड़ा बहुत, और इसमें लाइट भी जलती है, और इसमें लाइट भी जल रही है। तो बस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, और जय श्री श्याम आप लोग भी लिख देना, आप लोग भी दर्शन करने आओ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा है। हमने तो फर्स्ट टाइम आए, हम लोग को बहुत अच्छे से तो बालाजी भी एक्सप्लोर, और हम लोग पता है फ्राइडे को निकले थे, सोचे थे सैटरडे को मतलब दर्शन करेंगे, लेकिन फ्राइडे को पहुंचे और फ्राइडे को ही हमारा दर्शन हो गया, मतलब 10 बजे से पहले आप लोग दर्शन कर सकते हैं, तो आप लोग भी आना और दर्शन करना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मम्मा ने बालाजी का दर्शन नहीं किया। हाँ, तो मैं तो गई थी बालाजी मंदिर, बट कुछ था जिस वजह से मैं मंदिर के अंदर नहीं जा पाई, लेकिन बाहर से मैंने दर्शन कर लिया और आप लोगों को दिखा दिया। तो आप लोग कमेंट में जय श्री बालाजी सालासर महाराज की जय। तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अरावली पर्वत, में कितना मजा आता था उसके ईयर्स के। मैंने तो इसके बहुत सारे बाइट लिए हैं ईयर्स के। पहले ना जब मैं नॉनवेज कितने गंदे हैं आप, छी छी। देखिए अभी हम लोग रुके हैं डिनर करने के लिए, बहुत लेट हो गया है, तो हम लोग डिनर करेंगे यहाँ पे। एक शो अपना मंगा रहे हैं नूडल्स, और हम लोग देखते हैं क्या खाते हैं। यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, क्या कर रहे हो यक्षो? तो देखिए हमारा खाना आ चुका है। हाँ, तो ये लोग यहाँ पे रुके थे श्रीकंठ होटल में, बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी अगर इधर से आना तो जरूर रुकना। और यहाँ पे यक्षु गए हैं कुछ लेने,
तो ये है लोकेशन और हमारा डिनर हो गया। कल करवा चौथ है, मेरी मेहंदी भी नहीं लगी, आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं रात को पहुंच के लगाती हूँ क्या करती हूँ। पिछली बार तो बहुत अच्छा लग गया था। अभी चलते हैं घर। या तो पेटी चाहिए या पान केक चाहिए। मेरे को बात दाल चाहिए होता था स्कूल से आता था तो मैं चावल दाल में खुश। देखिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस टाइम 39 मिनट्स लेफ्ट और बहुत ऐसी नींद आ रही है। और ये है साइबर सिटी, हम लोग इस बार इधर से जा रहे हैं। और दिवाली का डेकोरेशन, लाइटिंग कितनी अच्छी हुई है ना, मस्त लग रहा है। ये डेली थोड़ी ना रहता है ऐसे, मतलब फिर भी कहीं कहीं तो लाइटिंग हुई है ऊपर, वो देखिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऊपर। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, बस घर जाएंगे रेस्ट करेंगे। अभी हस्बैंड ने बोला है कि मैं तुम्हारी मेहंदी लगवा दूंगा, तो फिर हस्बैंड देखिए अपने बातों पे अमल करते हैं कि नहीं। अभी ये इग्नोर कर रहे हैं मेरी बातों को, बट आप लोग देखना ब्लॉग में और प्लीज आप लोग वॉच करना मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक, तो दिखाते हैं आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ताकि हम भी थोड़ा सा यूट्यूब पे दिखें। दिखते नहीं हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं हमारे। और इधर की लाइटिंग देखिए आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हुआ है डेकोरेशन।